देखिए सवाल नंबर 8, उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। यहाँ देखिए सवाल नंबर 8, सबसे पहले मान लेंगे कि माना वह कोण एक्स डिग्री है, ठीक है। उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण, यानी कि इसका पूरक कोण पहले निकालिए। यहाँ देखिए एक्स डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री में से इसको घटा देंगे तो ये जो आएगा इसका पूरक कोण होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है कि उस कोण की माप ज्ञात करें, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से, तो इसका पूरक कोण है 90 माइनस एक्स, पूरक कोण की माप से ये 20 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। इससे ये 20 डिग्री ज़्यादा है, हमें क्या करना है कि बराबर करना है दोनों को, तो इसको मैं 20 जोड़ देंगे, ये 20 कम था तो 20 जोड़ दिए, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। इसको देखिए समझिए, मान लीजिए कि एक कोण है 55 डिग्री, ठीक है, और इसका पूरा कोण कितना होगा, 35 डिग्री होगा, 55 और 35 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो सवाल कहता है कि एक कोण है जो अपने पूरा कोण से 20 डिग्री जाते हैं और हमको बराबर करना है, तो बराबर तो अभी है नहीं, इधर 20 कम है इधर 20 ज़्यादा है, तो हम क्या किए कि इसमें भी 20 जोड़ दिए, तो देखिए 55 डिग्री इधर भी है, 55 डिग्री इधर भी है, बराबर भी हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इधर 20 जोड़ते हैं, ठीक है, ताकि दोनों तरफ बैलेंस बना हुआ रहे, बराबर रहे। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस में एक्स है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो पहले से एक्स है और ये माइनस में था, इधर आके प्लस में एक्स हो गया, 90 और 20 110 हो जाएगा, एक्स एक्स टू एक्स, और इधर 110 डिग्री है, एक्स का मान निकालना है, 110 डिग्री इधर दो गुना में है, इधर आके बटम हो गया 55 डिग्री, एक्स का मान आ गया 55 डिग्री। तो सवाल कहता है कि उस कोण की माप ज्ञात करें, तो उस कोण को हम माने थे एक्स, एक्स का मान आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः अभीष्ट कोण कितना है, 55 डिग्री है, ये आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 9, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, ठीक है। तो सबसे पहले उस कोण की माप को हम मान लेते हैं, सवाल नंबर 9 हम मान लेंगे कि माना वह कोण एक्स डिग्री है, ठीक है। अब इसका संपूरक कोण भी निकालना है और पूरक कोण भी निकालना है, देखिए संपूरक कोण और पूरक कोण इसका दोनों निकालना है, तो सबसे पहले हम एक्स डिग्री का संपूरक कोण निकालते हैं, संपूरक कोण, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि 180 डिग्री में से ये वाला मान घटा देंगे, तो ये इसका संपूरक कोण ये होगा, ठीक है। अब देखिए एक्स डिग्री का मतलब इसी का पूरक कोण भी निकालना है, पूरक कोण, तो पूरक कोण में क्या करेंगे, 90 डिग्री में से घटा देंगे एक्स को इसको, तो ये पूरक कोण है और ये संपूरक कोण है इसका। प्रश्नानुसार सवाल कहता है कि उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण, देखिए इसका संपूरक कोण कितना है, 180 डिग्री माइनस एक्स, उसके पूरक कोण का मतलब इसका जो पूरक कोण है ये 90 डिग्री माइनस एक्स का 6 गुना है, देखिए ये 6 गुना है, ठीक है। हमको क्या करना है कि बराबर करना है, एक्स का मान निकालने के लिए हमको बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए इसको भी हम 6 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर, इसको गुना करेंगे तो 6 9 या 54 540 डिग्री प्लस माइनस माइनस 6 एक्स, देखिए इसको लेकर आते हैं इधर और 180 को लेकर आते हैं बराबर के इस साइड, तो पहले से माइनस एक्स है, माइनस में है इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 6 एक्स, पहले से 540 डिग्री है,
ये प्लस में है इधर आएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। 6 में से x घट जाएगा तो ये बचेगा 5x, और इसको माइनस करिए तो देखिए 540 में 180 घटा देंगे 063, यानी कि 360 डिग्री। तो x बराबर 360 को 5 से भागा दे देंगे, 5 गुना में इधर आके बटम हो गया, 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10, यानी कि x का मान आ गया 72। सवाल कहता है उस कोण की माप निकालिए, तो उस कोण को हम x माने थे, अतः अभीष्ट कोण कितना है तो 72 डिग्री है, ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 कहता है कि उस कोण की माप निकाले जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। देखिए इस सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। उस कोण को हम पहले मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि माना वह कोण x डिग्री है, ठीक है। अब इस कोण का पूरा कोण निकालिए, यहाँ देखिए x डिग्री का पूरा कोण, तो पूरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री में से ये वाला कोण को घटा देंगे, तो इसका ये पूरा कोण हो गया। अब संपूरक कोण कहता है तो देखिए x डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण निकालने के लिए 180 डिग्री में से घटाया जाता है, इस कोण को हम घटा देंगे, तो इसका ये संपूरक कोण है, इसका ये पूरा कोण है। प्रश्नानुसार देखिए क्या कहता है, कहता है कि पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण है 90 डिग्री माइनस एक्स, और इसका संपूरक कोण है 180 डिग्री माइनस एक्स, और ये दोनों का योग देखिए योग कितना है 120 डिग्री है, यहाँ देखिए 120 डिग्री है, यानी कि पूरक कोण और संपूरक कोण का योग है 120 डिग्री। यहाँ से x का मान निकालिए, देखिए 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर 120 डिग्री, तो 90 और 180 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 120 डिग्री। इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो देखिए 270 डिग्री 120 प्लस में है बराबर किधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 120 डिग्री, माइनस में 2x है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x। अब इसको घटा दीजिए तो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और 5 2 में से 1 गया 1, इतना बराबर 2x। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, देखिए 2x बराबर है 150, तो x बराबर 150 बटा 2, ये 2 गुना में है इधर आके बटम हो जाएगा, ठीक है। 150 को 2 से काटेंगे तो 75, यानी x का मान निकल गया 75। तो कहता है उस कोण की माप निकाले, तो माप निकाले आया है 75 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः वह कोण कितना का है, 75 डिग्री का है, ये आंसर हो गया।